हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी बगिया नैनीताल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्यूशिया प्लांट के बारे में। देखिए, फ्यूशिया जो होता है वो काफ़ी सारी वैरायटीज़ में आता है। सिंगल पेटल्स में आता है, डबल पेटल्स में आता है और मल्टी पेटल्स में आता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिंगल पेटल फ्यूशिया की बात करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास जो है एक ये फ्यूशिया का प्लांट है, पिंक कलर का है। देखिए, ये जो है बहुत ही बढ़िया जो है स्टेम में ब्लूमिंग स्टेज पर आया हुआ है। तो इसकी केयर कैसे करते हैं, मैं आज आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ कि फ्यूशिया की केयर जो है वो कैसे करते हैं और इसमें जो है आप कैसे बहुत ज़्यादा फूल जो है वो ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो है पिंक कलर का, वैसे तो आपने देखा होगा फ्यूशिया जो है वो पहाड़ी इलाकों में, जो ओल्ड एरियाज जो होते हैं वहाँ पर होता है। जैसे कि मसूरी हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, नैनीताल हो गया, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लेकिन ऐसी वैरायटीज जो हैं वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो होता है ये कलेक्शन वाले फ्यूशियाज होते हैं। वैसे तो फ्यूशिया आपको हर घर में पहाड़ी इलाके में दिख जाएगा, लेकिन वो जो होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। तो ये जो है ये थोड़ी एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट वैरायटी का फ्यूशिया। देखिए, है तो ये सिंगल पेटल, लेकिन ये इतने फूल देता है जिस टाइम में ये खिलता है। बहुत ही खूबसूरत फ्यूशिया जो है ये लगता है। मैं देखिए, इसके फूल जो होते हैं वो बिल्कुल जैसे घंटियां लटकी हुई हैं, बिल्कुल वैसे दिखते हैं। हमारे यहाँ जो है इसको बेल फ्लावर के नाम से जाना जाता है, और जो है इसे बेल फ्लावर के नाम से, घंटी वाले के नाम से और डांसिंग डॉल के नाम से जो है ये हमारे पहाड़ में जो है बहुत प्रसिद्ध पौधा होता है। हालांकि फ्यूशिया जो होता है वो बहुत ईजली ग्रो हो जाता है, लेकिन ये वैरायटीज़ जो है ये ज़्यादा बढ़ती नहीं है और काफ़ी टफ हो जाता है इसकी केयर करना। तो इसको जो है आप हमेशा शेडी एरिया में ही रखें, और दिन में जो है आप इसको 4 से 5 घंटे की आप इसको धूप लगा सकते हैं। देखिए, इसमें जो है बिल्कुल लाइट पिंक कलर के जो हैं वो फूल आए हुए हैं और पूरा पौधा जो है वो कलियों से भरा हुआ है। देखिए, मिट्टी की बात करें तो इसमें आप कोई भी सॉइल मिक्सचर लगा सकते हैं, बस याद रहे कि आप इसमें चिकनी मिट्टी और रेत वगैरह का जो है वो इस्तेमाल ना करें। अगर आप रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, तो इसमें गमले के जो नीचे सबसे पहली लेयर जो होती है तब आप इसमें एक रेत की लेयर लगा सकते हैं। हालांकि वैसे जो है ये बिना रेत के बहुत बढ़िया ग्रो होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें इसकी मिट्टी जो हो वो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। मैंने भी जो था ये फ्यूशिया ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था, और काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं मैंने इसके बना लिए हैं। कटिंग से जो है ये इजीली ग्रो हो जाता है, लेकिन ये वैरायटी जो है वो काफ़ी टफ हो गई थी मेरे लिए ग्रो करना। तो मैंने क्या करा था, इसको अक्टूबर के टाइम में जो था तब मैंने इसको ग्रो करा था, और इसको जो था कटिंग लगा के बिल्कुल एक नमी वाली जगह पर रख दिया था, ताकि इसकी जो है रूट्स अच्छी आ सकें और जो है इसमें काफ़ी अच्छे फूल खिलें। तो देखिए, केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। आप हमेशा जो है इसमें एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें। मैं जो हूँ इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह का यूज़ कर रहा है, मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर रखा है, और कोई भी जो है मैं इसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं डालता हूँ। जो मेरे घर के बने हुए पेस्टिसाइड्स होता है ऑर्गेनिक, मैं उसी का ही मैंने इसमें यूज़ करा है। तो आप जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र या कुछ यूज़ करते हैं तो इस प्लांट को जो है वो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए कि तभी भी आप फ्यूशिया लगाएं तो उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का आप यूज़ ना करें। देखिए, कटिंग जो होती है बेस्ट टाइम फ्यूशिया को लगाने का वैसे बरसात का टाइम होता है, लेकिन उसको डायरेक्ट जो है आप बरसात में ना रखें। जैसे कि कोहरा वगैरह होता है उसमें आप इसको बाहर रख दें, नहीं तो आप कटिंग लगा के जो है किसी एक सूखी जगह पे रख दें, जहाँ पे जो है मिट्टी में काफ़ी अच्छी नमी बनी रहे। और कोई एक्स्ट्रा केयर की इसमें हालांकि ज़रूरत नहीं होती है, बस यह है कि आपको जो है इसका काफ़ी ध्यान रखना होगा कि आप कैसे पॉट में इसको बो रहे हैं और कौन सी जो है आप इसमें सॉइल लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट सॉइल रहती है, जैसे आप लीफ मोल्ड ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले
सकते हैं, कोको पीट ले सकते हैं। ये क्या होता है, बहुत बढ़िया एक सॉइल मिक्सचर बन जाता है। और क्योंकि ये जो होती हैं सारी चीज़ें फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होती हैं जो कि प्लांट को चाहिए होती हैं। तो अगर आपको फ्यूशिया ग्रो करना है तो आप भी जो है अगर ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल ईजिली जो है फ्यूशिया को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।